माइंडफुल मोमेंटम चैनल में आपका स्वागत है। पिछले हिस्से में आपने देखा था कि कैसे रवि कालधारी के जंगल में अपनी जान बचा के भाग रहा था, और अब आगे अचानक एक खौफनाक हवा ने रवि को ठिठुरा दिया। ऐसा लग रहा था कि आवाज सभी दिशाओं से आ रही है, पेड़ों के बीच से गूंज रही है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। लंबे बिखरे बाल और दूर के सितारों की तरह चमकती आंखों वाली वह भूतिया महिला उसके सामने साकार हुई। उसने एक फटी हुई सफेद साड़ी पहनी थी जिस पर समय के साथ दाग लग गया था। उसकी खोखली आंखों में देखते ही रवि की सांसें अटक गईं। वह आगे बढ़ी, उसकी ठंडी कंकाल उंगलियां उसकी त्वचा से टकरा रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी हड्डियों में ठंडक घुल रही है क्योंकि उसकी आवाज उसके दिमाग में फुसफुसा रही थी, प्यार और विश्वासघात की दुखद कहानी सुना रही थी। वह उसकी निगाहों से स्तब्ध था, उसकी प्रेतवाधित पकड़ से मुक्त होने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि जंगल रावी के चारों ओर बंद हो गया है। पेड़ भयावह प्रेत की तरह मुड़ रहे हैं और टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। वह एक दुःस्वप्न के जाल में फंस गया था और महिला के अंतिम क्षणों को ऐसे जी रहा था जैसे कि वे उसके अपने हों। जब उसने उसकी पीड़ा देखी तो निराशा और दुख ने उसे घेर लिया। जैसे ही भूतिया महिला की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से भस्म करने की धमकी दी, भोर की एक दूर की किरण अंधेरे को चीर कर निकल गई। सूरज की रोशनी की पहली किरणों ने जंगल को भेद दिया, छाया और भूतिया दृश्य को गायब कर दिया। रवि हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पसीने से लथपथ और डर से कांपते हुए लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर आया। जिन ग्रामीणों ने उसे पाया वे आश्चर्यचकित थे कि वह जंगल की पकड़ से बच गया। ये इंसान जिंदा कैसे वापस आया? बताया कि महिला की आत्मा सांत्वना और समापन चाहती थी, और जो लोग जंगल में गए वे उसके दर्द को फिर से जीने के लिए अभिशप्त थे। रवि ने कालदारी को छोड़ दिया। प्रतिशोधी भावना के साथ अपनी मुठभेड़ से वह हमेशा के लिए बदल गया। भूतिया महिला की विलाप की मनमोहक धुन उसके सपनों में गूंजती रही, जो भुतहा जंगल की गहराई में छिपे रहस्यों की डरावनी याद दिलाती थी। दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर सीरीज का पहला पार्ट। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगेगी, और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।